हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह आज रलकिला हिलटॉप आया हूं और घूमने में मजा आ रहा है। इतना ऊपर आया हूं कि बादल भी मेरे से नीचे है। आप लोग देख सकते हैं बादल दिख रहा है। कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप लोग को दिखा सकता हूं कि थोड़ा बहुत बादल दिख रहा है नीचे तरफ। वो जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वही बादल है। और घर सब भी देख सकते हैं कितना छोटा छोटा। इतना ऊपर आया हूँ कि घर भी दिख नहीं रहा है। और अभी कुछ वीडियो शॉट्स लेने वाले हैं, आगे तरफ जाते हैं। ये वाला ऐसी जगह है कि रलकिला का सारा जगह यहीं से देख सकते हैं। इतना ऊपर में हिल टॉप पर कम से कम यहाँ चढ़ने के लिए 1 घंटा लगा। बहुत बड़ा पहाड़ है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो पहाड़ घूमने जरूर आना, कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं पहली बार आज सुबह सुबह साइकिलिंग करते करते यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर चढ़ा हूँ। देख के इतना खुश लग रहा है कि आप लोग देख सकते हैं कितना ही बेहतरीन जगह है। पर वो बादल नीचे तरफ दिख रहा है, ये सब जितना सफेद दिख रहा है वो सब बादल है। बादल के ऊपर में है हम लोग। ठीक है, आगे और भी दिखाता हूँ यहाँ का। यहाँ से नीचे का सीन पूरा सारा रलकिला आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा बेहतरीन जगह है। यहाँ से आप लोग पूरा रलकिला देख सकते हैं। और यहाँ से आप लोग व्यू को यहाँ का व्यू दिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को हॉकी स्टेडियम दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ इधर है हॉकी स्टेडियम, यहाँ से दिख रहा है और बादल भी दिख रहे हैं। बादल के नीचे हॉकी स्टेडियम है। घर भी देख सकते हैं, घर इतना छोटा छोटा दिख रहा है। घर तो दिख ही नहीं रहे, बस थोड़ा हल्का छोटा बहुत दिख सकता है। और इधर आप लोग दिख सकते हैं टाउन है हम लोग का, रिंग रोड और प्लांट वगैरह यहाँ से दिख रहे हैं। धुआं धुआं स्टेशन भी, रेलवे स्टेशन दिख रहा है यहाँ से। और घर बिल्डिंग सब भी इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप लोग को मौका मिले तो कभी यहाँ जरूर ही आना। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जितना जल्दी हो सके सुबह आने से और अच्छा है, क्योंकि सुबह का भी और अच्छा। आप लोग चिड़िया भी देख सकते हैं कितना हम लोग से नीचे नीचे उड़ रहा है। केटेबिनिया सब भी है हम लोग को देखने के लिए आए। कौन है इतना सुबह सुबह आ गए बोल के। यहाँ का व्यू नजारा इतना ही अच्छा है कि मैं क्या ही बोलूं दोस्तों। मेरे बोलने के लिए और शब्द ही नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मैं जब आ रहा था इतना पसीना लग रहा था, पसीना से पूरा लोथपोथ हो गया था और थक भी गया था बहुत ही ज्यादा। उसके बाद में यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ सीनरी और यहाँ का नजारा देख के मेरा थकावट कहाँ चला गया पता नहीं चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना पूरा बेहतरीन जगह है। मैं और क्या ही बोलूं, मेरे बोलने के लिए कुछ शब्द भी नहीं निकल रहे। बोलने का तो दिल इतना कर रहा है, उछल कूद कर रहे हैं, पर पता नहीं क्या बोलूं। दोस्तों, बहुत घूम लिए हैं, मजे ले लिए हैं। अभी हम लोग साइकिल के पास आ गए हैं, अभी साइकिल में जाएंगे। और यहीं पर एक BSNL का ऑफिस है तो अभी निकलते हैं। वैसे भी 7:30 बज गया है, 8 बजे तक घर पहुँचना है। रास्ता है ये, देख सकते हैं।